हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बहुत बार लोगों को जुपिटर महादशा के दौरान बहुत सी तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है, और किस तरह से हम इस सारी स्थिति को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किन रेमेडीज को अपना कर हम लाइफ में परमानेंट वेल्थ और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बृहस्पति महादशा में लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। लेकिन इन रियलिटी हम ये देखते हैं कि तकरीबन 80% लोगों को जुपिटर महादशा के दौरान खराब फल ही मिल रहे होते हैं। और इस सब के क्या कारण हैं, उनको हम एक-एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब लोग जुपिटर महादशा में एंटर करते हैं तो उससे पहले 18 साल तक चलने वाली राहु महादशा के दौरान उनकी लाइफ का एक अलग ही पैटर्न जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। राहु महादशा के दौरान लोगों को अक्सर बड़े बड़े सपने देखने की आदत पड़ चुकी होती है, और ये जुपिटर महादशा से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो सपने, वो जो चीजें राहु की महादशा में वो अचीव नहीं कर पाए, वो बृहस्पति की महादशा में तो वो अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो तो एक शुभ ग्रह है ही। और ये लोग जो है जुपिटर महादशा में एक तरह से एक चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसा होगा कि जिसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि राहु की महादशा के दौरान ये लोग जो हैं इमोशनली हर्ट भी हो चुके होते हैं काफी हद तक, और बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोगों के हाथों चीट भी हो चुके होते हैं, और दोनों ही लेवल्स पर, पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राहु महादशा के दौरान लोग जो हैं बहुत सा पैसा कमाते भी हैं और गवाते भी हैं, और राहु महादशा के दौरान वो किसी ना किसी एडिक्शन में भी इन्वॉल्व रह चुके होते हैं। चाहे वो एडिक्शन जो है वो नशों की हो, या जंक फूड की हो, या किसी भी और तरह की एडिक्शन। और इस तरह की एडिक्शंस की वजह से, अपने गलत खाने पीने की आदतों की वजह से वो कुछ ना कुछ सीरियस टाइप के हेल्थ इश्यूज को भी फेस कर रहे होते हैं, और इन खराब आदतों के चलते वो ऑलरेडी अपनी हेल्थ को भी खराब कर चुके होते हैं अगर बर्थ चार्ट में राहु अगर बैडली प्लेस्ड है तो। और इसी तरह से अक्सर हम देखते हैं कि राहु महादशा में लोग जो हैं देर रात तक जगने की वजह से, देर रात तक मोबाइल फोन चलाते रहने की वजह से भी अपना स्लीपिंग पैटर्न भी ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। और इस तरह से राहु महादशा में अपने अनऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी खराब आदतों के चलते और अनएंडिंग डिजायर्स के साथ ये लोग जो हैं जुपिटर महादशा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह के स्वामी जो हैं वो हैं देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और वहीं दूसरी ओर राहु को एक दैत्य ग्रह माना जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मैनिपुलेशन को और अनएंडिंग डिजायर्स को भी। और राहु को बहुत कुछ चाहिए और अभी चाहिए, और इसके लिए चाहे उसे अनएथिकल भी क्यों ना होना पड़े। तो जैसे ही व्यक्ति 18 साल की राहु की महादशा को बिताकर बृहस्पति की महादशा में एंटर करता है, तो वो देवगुरु बृहस्पति की सर्वेलेंस में, उनकी निगरानी में आ जाता है, और देवगुरु बृहस्पति को इस व्यक्ति की हरकतें, उसकी आदतें और उसका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल भी रास नहीं आता। और बृहस्पति
देव को ऐसा लगता है कि राहु की महादशा बिताकर आए हुए इस व्यक्ति के ऊपर राहु महादशा का प्रभाव जो है वो इतना ज्यादा है कि कुछ भी देने से पहले इस व्यक्ति को सुधारने की जरूरत है, नहीं तो इस व्यक्ति को चाहे कुछ भी मिल जाए उसको ना तो उसकी कद्र होगी और ना ही वो उन सब चीजों को संभाल पाएगा जो कि देव गुरु बृहस्पति उसको देना चाहते हैं। ये बृहस्पति महादशा में हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में है, किस तरह के योग हमारे बर्थ चार्ट में बना रहा है और क्या वो हमारे बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह है या कि एक योग कारक ग्रह है। तो अब हम जानेंगे कि इन जनरल बृहस्पति महादशा के दौरान लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, कैसे हम उन्हें टैकल कर सकते हैं और किस तरह से बृहस्पति महादशा के रिजल्ट्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की बृहस्पति की महादशा चल रही है तो अक्सर ये लोग फील कर सकते हैं जैसे हमेशा उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है और अक्सर लोग जो हैं उनकी छोटी छोटी गलती को भी नोटिस करते हैं और उनकी गलती को एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है और अक्सर लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब ये लोग गलती करें और कब इनको बताया जाए कि आप गलत हैं। तो इस तरह की स्थिति अगर आप लाइफ में फेस कर रहे हैं तो इस स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए जब भी आपको पॉइंट आउट किया जाता है तो अगर दूसरा व्यक्ति अगर सही है तो आप इसे अपना प्रेस्टिज इशू ना बनाएं और अपनी गलती को समझने की कोशिश करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की, खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। और इसी तरह से अक्सर हम बृहस्पति महादशा के दौरान ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो ऐसा फील कर सकते हैं जैसे वो प्रोफेशनली जो हैं वो स्टक हो गए हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, वो डिजायर्ड सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जैसे कि वो बढ़ना चाहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देव गुरु बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, वो परफेक्शनिस्ट हैं और उनके जो जो काम के जो मापदंड हैं वो बहुत हाई हैं। तो इस तरह से अगर बृहस्पति महादशा के दौरान अगर कोई व्यक्ति जो है फॉर्मेलिटी से काम कर रहा है, काम चलाऊ तरीके से काम कर रहा है तो वो जो है डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो बृहस्पति महादशा में कुछ बड़ी सफलता पाने के लिए, ग्रेट सक्सेस अचीव करने के लिए व्यक्ति को ये जरूरी है कि उसको किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल होनी चाहिए, कोई ना कोई जो है एक्सेप्शनल स्किल उसके पास होना चाहिए, तभी ये व्यक्ति जो है वो दूसरों से अलग और दूसरों से बेहतर काम कर पाएगा और तभी उसकी लाइफ में जो डिजायर्ड प्रोग्रेस है वो भी उसको देखने को मिलेगी। और इसी तरह से एक और चीज को भी हम बृहस्पति महादशा में देख सकते हैं कि अक्सर जिन लोगों की बृहस्पति की दशा चल रही होती है तो ऐसे लोगों के पास अनजान लोग भी मदद मांगने के लिए आ सकते हैं क्योंकि बृहस्पति जो है उसे जीव कारक माना जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है मदद के लिए तो जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से उसकी मदद जरूर करें, उसे इग्नोर ना करें और स्पेशली लोगों को जो है एजुकेशन से जुड़े फील्ड्स में जो है लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। गरीब बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को आप बुक्स लेकर दे सकते हैं, नोटबुक्स लेकर दे सकते हैं, पढ़ाई से, पढ़ने लिखने से जुड़ी चीजें जो है उनको लेकर दे सकते हैं और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह भी लेकर उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का कारक भी माना जाता है
तो पढ़ाई में गरीब बच्चों की मदद करने से भी आपको लाइफ में डिजायर्ड अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी किसी की मदद करें तो दिल से करें, दिखावा करने के लिए नहीं। इसी तरह से बृहस्पति महादशा में एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू जो देखा जाता है वो है वेट गेन से रिलेटेड, और स्पेशली अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो 4, 8 या 12 नंबर के हाउसेस में प्लेस्ड है, या फिर 4, 8 या 12 नंबर की राशि में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति के लाइफ में जो है वेट गेन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बॉडी में वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, और अक्सर इस दौरान जो है शुगर क्रेविंग्स वो भी बहुत बढ़ जाती हैं, मीठी चीजें खाने की जो प्रवृत्ति है वो भी अक्सर बहुत ज्यादा देखी जा सकती है, और इस वजह से व्यक्ति के वेट गेन होने के चांसेस भी अक्सर ज्यादा रहते हैं। तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, खाने पीने की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, और अपने वेट पर जुपिटर महादशा के दौरान जो है हमेशा नजर रखनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हम अपने फोन को रीसेट करते हैं ना, कि अनवांटेड कॉन्टेक्ट्स को डिलीट करते हैं, अनवांटेड एप्स को डिलीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बृहस्पति महादशा में हमें राहु महादशा से आई हुई गलत आदतों को, गलत लाइफस्टाइल को रिप्लेस करना है अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी हेल्दी आदतों के साथ। और इसी तरह से बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे जीवन में आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। सुबह सुबह अगर पॉसिबल हो तो पार्क में जाएं, पक्षियों को दाना डालें, योगा और प्राणायाम जरूर करें, मॉर्निंग वॉक पर भी आप स्पेशली जा सकते हैं। तो इस तरह से नेचर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने से हम खुद के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और अगर हम खुद से ही कनेक्टेड नहीं हैं तो हम भला दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को करके हम खुद के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम सुबह सुबह मंदिर जाने की रूटीन बना सकते हैं, एक बहुत अच्छी मॉर्निंग प्रेयर रूटीन को बना सकते हैं, एक या दो मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हमें 10 तरह के मंत्र या पाठ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, बल्कि हम जो कुछ भी करें, चाहे कम करें, लेकिन उसको फोकस के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, तभी हम जो है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बृहस्पति जो है वो कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होता है, और कैंसर साइन के कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। तो इस तरह से जब हम भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ कुछ भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे हमें मेंटल प्योरिफिकेशन मिलती है और सात्विकता हमारे जीवन में बढ़ती है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और बात भी कहना चाहूंगी, वो ये है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे जीवन में ऑप्टिमिज्म, आशावाद और भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है वो अफ्लिक्शन में है, तो ऐसे लोगों को हम देखेंगे कि बृहस्पति महादशा में वो लोग जो है ओवर ऑप्टिमिज्म का शिकार हो जाते हैं, बहुत भाग्यवादी बन जाते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा ही जिससे उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अक्सर हम देखते हैं कि वो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं, और इस सब के चलते ये लोग जो हैं वो डिप्रेशन की ओर भी जा सकते हैं, और इसे हम डिप्रेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म भी बोल सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि बृहस्पति ग्रह
हमारे जीवन में स्टेबिलिटी और परमानेंट वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी कमियों को दूर करके हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा सकते हैं, परमानेंट वेल्थ को पा सकते हैं और ग्रेट सक्सेस भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।